दिल्ली में पिछले दिनों छतरपुर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंग के सरगना राजेश भारती सहित 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। उसमें दिल्ली पुलिस में भर्ती अलवर का एक जांबाज भी शामिल था, गिरधर गुर्जर। पुलिस और बदमाशों की आमने सामने हुई फायरिंग में चारों बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया था। उसमें अलवर के गिरधर जो दिल्ली पुलिस में हैं, उसे 4 गोलियां लगी थी और एक गोली तो उसकी गर्दन में लगी, लेकिन इस बहादुर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों का जमकर मुकाबला किया। ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने छतरपुर की तरफ निकले थे। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर बदमाशों को घेरा गया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की फायरिंग में चारों बदमाश ढेर हो गए। इसमें अलवर के गिरधर को भी 4 गोलियां लगी। 9 जून को हुई इस घटना के बाद दिल्ली में इलाज के बाद 15 जून को गिरधर अपने घर अलवर पहुंचा, जहां उनका परिवार जनों ने घर पहुंचने पर सम्मान किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल भी उनके निवास पहुंचे और उनके माता पिता को गिरधर की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। मेरा भाई ने देश के लिए, आम जनता की रक्षा के लिए बड़ा गर्व का काम किया है, अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी और मुठभेड़ को अंजाम दिया, और जिसके लिए हमें, हमारे पूरे परिवार को इनके ऊपर बड़ा गर्व है, और आगे भी इसी तरह देश के लिए काम करते रहेंगे और इसी तरह से जांबाजी से काम करते रहेंगे। इन पर हमें बहुत गर्व है।